बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उस विषय पे बोलने का मौका दिया। हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में आने से पहले खूब नारे सुनते थे अध्यक्ष जी, अंत्योदय करेंगे, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला करना। नारे तो बहुत सुने थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2014 तक दिल्ली की 1800 कच्ची कॉलोनियों का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, पीने के पानी के लिए महिलाएं तरसती थी, टैंकर पर मारा मारी करती थी, कपर फोड़ी होता था, रोज 200 FIR इसलिए होता था क्योंकि 2-4-5 लोगों के बीच में झगड़ा टैंकर पे पानी भरने के लिए होता था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन का सदस्य मैं 2015 में बना। मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं जो अनऑथराइज कॉलोनीज में 99% कच्ची कॉलोनी वाला विधानसभा क्षेत्र है, और मेरे ऑफिस पे 500 लोग केवल पानी का टैंकर मांगने के लिए आते थे, पानी का टैंकर। इससे ज्यादा बुनियादी बात क्या हो सकती है। माथा में दर्द हो जाता था, टैंकर 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 सुन सुन के रात को सपने में भी टैंकर घूमते थे, इतना बुरा हाल था कच्ची कॉलोनी के अंदर। जब वो विजुअल्स देखते थे कि लोग टीवी पे दिखा रहे हैं 200 पाइप है, 400 लोग चढ़ गया है, टैंकर भाग रहा है, मतलब आप सोचिए कि टैंकर माफिया के ऊपर में कितनी वेब सीरीज बनी, फिल्में बनी, कहानियां बनी, रिपोर्ट्स बनी, इतना बुरा हाल था अध्यक्ष महोदय पानी को लेकर के। और जब केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, आप सोचिए कि उससे पहले सरकारें कच्ची कॉलोनी के लोगों को, सिटीजन्स को फोर्थ ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करती थी, फोर्थ ग्रेड। इनको क्या जरूरत है पानी देने की, इनको क्या जरूरत है सड़क देने की, इनको क्या जरूरत है सीवर देने की, इनको क्या जरूरत है। लेकिन पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तो कच्ची कॉलोनी में रहता है, प्रवासी लोग तो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, जे क्लस्टर्स में रहते हैं, सबसे बड़े जरूरतमंद लोग तो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही सरकार में आए, युद्ध स्तर पे पानी पर काम हुआ अध्यक्ष महोदय, युद्ध स्तर पे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2015 के बाद 85 कॉलोनियों में पानी की लाइन बिछाकर घर घर तक पीने का पानी पहुंचा दिया गया और पूरी तरीके से टैंकर माफिया को खत्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर में आप सोचिए कि 70-75 साल हो गया देश को आजाद हुए, मात्र 230 कॉलोनी में पानी की लाइन थी, 230 कॉलोनी में। और फिर हमारी सरकार ने, सॉरी, पहले जो है सो कम थी, अब हमारी सरकार ने 697 कॉलोनी के अंदर में पानी की लाइन बिछा करके 2484 किलोमीटर की पानी की लाइन बिछा करके पूरी कच्ची कॉलोनी के अंदर में घर घर पीने का पानी पहुंचाया और लगभग पूरी तरीके से दिल्ली से टैंकर माफिया का खात्मा कर दिया। अब किसी को वो तस्वीर देखने को नहीं मिलता। पानी से ज्यादा बुनियादी बात क्या हो सकती है। उसके बाद सीवर, पानी आ तो गया, अब मलमूत्र की निकासी कैसे होगी। कच्ची कॉलोनी के लोग पूरी तरीके से नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे क्योंकि सबके सब खेतों में बसे थे। आप सोचिए कि आजादी के 75 साल के बाद दिल्ली के अंदर में सीवर लाइन की यह स्थिति थी कि टोटल सीवर लाइन हमारा जो है सो केवल 2652 किलोमीटर का था, जो कि 2484 किलोमीटर को जोड़ा गया, और पानी की लाइन केवल 173 किलोमीटर का था और 2091 किलोमीटर हमारी सरकार ने जोड़ा ताकि घर घर पीने का पानी पहुंच सके। आप सोचिए कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही मात्र 500 किलोमीटर की सीवर लाइन डल रही है। 500 किलोमीटर का मतलब है 5000 गलियां और सड़कों में सीवर की लाइन डल रही है, जिसमें से 3000 गलियां और सड़कों में सीवर का काम पूरा होकर के सारी सड़कें बन चुकी है। लोगों के जीवन में केजरीवाल सरकार के दिया हुआ इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा काम हुआ है, पहली बार उनको फोर्थ ग्रेड सिटीजन की तरह नहीं, फर्स्ट क्लास सिटीजन जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि उनके जीवन की जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सोचिए कि सड़कों की यह स्थिति थी अध्यक्ष महोदय कि टोटल 262 कॉलोनी में ही कुछ कुछ सड़कें बनी थी, कुछ कुछ।
हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी ने 822 कॉलोनियों के अंदर में सड़कें बनाई है, 822 कॉलोनी के अंदर में, और उसमें से भी 3397 किलोमीटर की सड़क बनी है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी से भी ज्यादा आगे हो जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी कच्ची कॉलोनी में सड़कें बनी है। और आप जानते हैं अध्यक्ष जी, 40,546 सड़कें बनी है, 40,546 सड़कें बनी है कच्ची कॉलोनी के अंदर में, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। दिल्ली की सबसे गरीब जनता, प्रवासी लोग जो कच्ची कॉलोनी में रहते थे, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको पहली बार पानी की लाइन मिली, पीने का पानी टूटी से मिला, सीवर की लाइन बिछ रही है, सड़कें बन रही है, बुनियादी चीजें मिल रही है। इतना ही नहीं है, हर कॉलोनी के अंदर में, ज्यादातर कॉलोनीज के अंदर में मोहल्ला क्लिनिक्स बन रहे हैं, जिससे कि गरीब लोगों को भी दवाइयां मिल सके। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 मोहल्ला क्लिनिक है, हर महीने 60,000 गरीब जरूरतमंद लोगों को दवाइयां मिलती है, 60,000 लोगों को। 5,500 परिवार तो ऐसा है जिसको मैं जानता हूं, जिसको हर महीने बीपी शुगर की दवाई मिलती है, 5,000 की दवाइयां फ्री में मिलती है। इतना बड़ा काम हुआ है, 10-10 पुराने स्कूलों को ठीक किया गया, 10-10 नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। गरीब वंचितों के बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को पहले मजबूर थे, आज अच्छी एजुकेशन मिल रही है। आज एक परिवार को कम से कम हर महीने 10,000 रुपये तक बचता है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य ये तमाम चीजों, और उसके साथ साथ उनकी लाइफ की जो लाइफस्टाइल है उसका भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। कच्ची कॉलोनियों इतनी शानदार बन रही है, इतनी शानदार बन रही है कि आप बहुत सारी कॉलोनीज तो ऐसी अध्यक्ष जी जिसको देख करके आप बता नहीं पाएंगे कि ये कच्ची कॉलोनी है। उसमें पीएनजी गैस लाइन भी है, उसमें सीवर लाइन भी है, उसमें सड़क भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, उसमें मोहल्ला क्लिनिक भी है, उसके अंदर में स्कूल भी है, उसके अंदर में अस्पताल भी है, सारे काम हो रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक 1800 कच्ची कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारी सुविधाएं दे दी, सारा काम करा दिया, और जहां नहीं हुआ है वहां पे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज कच्ची कॉलोनी के अंदर में किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी नुक्कड़ में चले जाओ, हर जगह पे काम ही काम दिखेंगे। कहीं पानी का काम हो रहा है, कहीं सीवर का काम हो रहा है, कहीं सड़कों का काम हो रहा है, कहीं मोहल्ला क्लिनिक का काम हो रहा है, कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं बस डिपो बन रहा है। इतना सारा काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, जिसकी बखान मैं करूं तो शायद पूरी रात बीत जाए, इतना काम उन्होंने किया है। इसके साथ साथ तीर्थ यात्रा किया, तीर्थ यात्रा योजना के तहत भी इतनी सारी सुविधाएं मिली गरीब वंचितों को, जिनके बच्चे आज भी मजदूरी करते हैं, अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करा पाते थे, आज वो बहुत बड़ी संख्या में रामेश्वरम जा पा रहे हैं, अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे जा पा रहे हैं। लाइफस्टाइल बदला है, और सबसे बड़ी बात है, जब किसी गरीब आदमी के जेब में 10,000 रुपया महीना बचता है तो उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, उससे इकोनॉमी और ग्रोथ करता है। कैसे करता है? क्योंकि आज वो बच्चा, आज वो परिवार जो 10,000 रुपया महीना बचा रहा है, वो अपने बच्चों पर ज्यादा खर्च कर पाएगा, उसके दूध पे, उसके फल पे, उसके कपड़ों पे, उसके एक्स्ट्रा चीजों पे, उसकी ट्यूशन पे, और अच्छा करने के लिए। और इतना ही नहीं है, कल को कोई लोन वगैरह लेता है तो उसमें भी उसको मदद मिलती है, ग्रो करने में मदद मिलती है। इसके लिए इतना बड़ा ये फैक्टर है, जिसके लिए जितनी अरविंद केजरीवाल जी की, हमारी सरकार की, केजरीवाल सरकार की तारीफ की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1800 कच्ची कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और एक ही बात अंत में कहूंगा कि देखिए, एक तरफ सरकारें हैं जो पावर में मस्त है, एकदम हिटलर शाही चल रही है। नेपोलियन कहता था कि पावर इज माय मिस्ट्रेस, मतलब इतना प्यार था पावर से, पावर इज माय मिस्ट्रेस। एक हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनके लिए जनता माय बाप है, उनकी सेवा करना ही माय बाप है, उनकी सेवा के बारे में 24 घंटा सोचते हैं, लड़ते हैं, इसीलिए उनको नींद नहीं आती है। और गलत, और सबसे बड़ी बात है कि नींद की दवाई का भी असर नहीं हो रहा है, इसीलिए जबरदस्ती चाहते हैं कि कच्ची कॉलोनियों का काम रुक जाए, सीवर का काम रुक जाए, पानी का काम रुक जाए, कच्ची क्या बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक की दवाई रुक जाए, स्कूल के काम रुक जाए, क्योंकि आप कंपटीशन नहीं कर सकते। अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे हमारे जैसी स्कीम लाना चाहते हैं, अरे आपकी जैसी ही सब कुछ लेकर आएंगे, गारंटी मोदी की गारंटी हो गई अब, बात समझ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आपके काम को रोकेंगे और अच्छे कामों को जो है वो करके पूरी तरीके से करना चाहते हैं। सब मैटर पॉलिटिकल है, लेकिन मैं फिर से तहे दिल से पूरी सदन की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का
तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं, वो जो बुजुर्ग हैं, वो जो नौजवान हैं, जो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, उनके दिल में अरविंद केजरीवाल है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दिन रात उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक परिवर्तन आया है और पहली बार किसी ने उनके लिए काम किया है, तो उसके लिए जितनी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जय हिंद।